पहुंचते हैं या अमर धाम में पहुंचते हैं, महापुरुषों के चरणों में बैठकर दर्शन कर रहे हैं, ये सहज स्वभाव नहीं है। कभी ये मत समझना कि हम किसकी प्रेरणा से आए या उसकी प्रेरणा से आए या किसी की प्रेरणा से। जिसके मस्तक पर श्री परमानंदा जी ने खुद अपने कर्तव्यों से लेख लिखा है, वो गुरुमुख के यहाँ दरबार में पहुंचा। तभी तो प्रेमी वर्णन करते हैं कितना ऊंचा भाग्य हमारा, ऐसा सतगुरु पाया है जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया। श्री परमानंदा जी ने ऐसी शीतल छाया हम पर डाली हुई है, उन्हें हमें अपने चरणों से बुलाया, स्वयं कष्ट उठाते हैं और हमें कष्टों से बुलाया। जैसे कहते हैं जीवों के कल्याण की खातिर महापुरुष अवतार धरे, नाम की नौका पर चलाकर भव सागर से पार करें, अपने तन पर कष्ट उठाकर। देखो आपने अमर ज्योति ग्रंथ में पढ़ा होगा, अमर ज्योति दर्शन में पढ़ा होगा, महापुरुषों ने कितनी तकलीफें उठाई। हमारे श्री परमानंदा पूरा कहाँ से लेके बिहार से लेके केरी तक पैदल यात्रा, उस समय मोटर गाड़ियाँ थोड़ी होती थी, किसी चीज की परवाह। कितना उन्होंने तप किया, जंगलों में बैठ करके तप किया, किसके लिए किया, उन्हें क्या जरूरत थी, वो तो पारब्रह्म परमेश्वर थे। गीता के अंदर भगवान ने वर्णन किया है कि आल में फानी से कुछ मुझको बरियत है सदा, आल में फानी से मुझको बरियत है सदा, फिर भी है अर्जुन मैं अपना फर्ज करता हूँ अदा। एक मौजी शख्स की तकलीद करते हैं सभी, खास का जैसा अमल हो आम करते हैं। भगवान वर्णन कर रहे हैं इस त्रैलोक्य में कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं है जो मेरे करने हो। जितने वेद बने हैं, शास्त्र बने हैं, ग्रंथ बने हैं, उनमें जो जो कुछ लिखा हुआ है वो जीवों को काम के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं, मैं सबसे ऊपर। लेकिन भगवान कहते हैं फिर भी मैं अपना कर्तव्य की पालना करता हूँ, एक एक कर्तव्य की पालना करता हूँ, संभल संभल कर चलता हूँ। क्यों कहते हैं एक मौजूद शख्स की तकलीफ करते हैं, जो एक महान व्यक्ति होता है सब उसके जो है पीछे चलते हैं। इसलिए जो है जो भी व्यक्ति महान होता है उसके सब कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, तो पीछे वाले भी रह सकते। जैसे देखो एक माता अपने बेटे के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी, ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो जो माँ थी वो भी बुक पढ़ रही थी और उसका जो 10-15 साल का बच्चा था वो भी बुक पढ़ रहा था। जो आसपास लोग बैठे थे वो बड़े देख के हैरान रह गए कि आज कौन सा जमाना है।